पाकिस्तान की कारस्तानी खुद कबूली पुलवामा हमले की बात, जनरल वीके सिंह ने की पाकिस्तान पर प्रतिबंध की अपील, विपक्ष पर भी साधा निशाना। आखिरकार पाकिस्तान ने पुलवामा हमले की बात कबूल ली है। पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने पाकिस्तानी संसद में कहा कि पुलवामा हमला इमरान सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। पाकिस्तान के इस स्वीकारोक्ति के साथ ही पाकिस्तान का वह चेहरा सामने आ गया है जिसको वह हमेशा छिपा कर रखता है। वह भारत पर आतंकी हमले करता है और सीधे मुकर जाता है। लेकिन इमरान के मंत्री ने इस बार पुलवामा में किए गए नापाक करतूतों को साफ साफ कुछ यूं कबूला। ने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे, और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क्यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। खैर, चौधरी साहब ने तो अपनी कड़ाई खोल कर रख दी है। पाकिस्तान की सरकार भारत के साथ क्या करती है यह साफ साफ बता दिया है। लेकिन पाकिस्तान के इस कबूलनामे के बाद भारत सरकार फॉर्म में आ गई है। मोदी सरकार के विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने सबसे पहले पाकिस्तान के इस मंत्री का धन्यवाद दिया और दुनिया के अन्य राष्ट्रों से पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की अपील की। पहले तो मैं पाकिस्तान के उन मंत्री का धन्यवाद देता हूं कि जिस बात को अब तक नहीं कबूल रहे थे उन्होंने कबूल ली। आतंकवादी घटना कराना अगर बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है या अचीवमेंट माना जाता है सरकार का, तो सिर्फ एक ही चीज दिखाता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। जितना इसके ऊपर दुनिया अलग अलग प्रतिबंध लगाए उतना ज्यादा अच्छा है। साथ ही विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। जनरल वीके सिंह ने विपक्ष को पाकिस्तान प्रेमी बताते हुए कहा कि हमारी सरकार तो हमेशा से यह कहती आ रही है कि इस हमले के सभी तार पाकिस्तान से जुड़े हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तान प्रेमी हैं जिनके मुंह पर एक अच्छा चांटा लगा है। हमने तो हमेशा से यही कहा है, सरकार ने भी यही कहा है कि पाकिस्तान के द्वारा हम परोक्ष युद्ध को झेल रहे हैं और पुलवामा के अंदर सारे तार पाकिस्तान की तरफ दिखते हैं। लेकिन भारत के अंदर बहुत से ऐसे पाकिस्तान प्रेमी भी हैं जो कि किसी समय सरकार में भी रहे, जो सोचते हैं कि पाकिस्तान की जितनी हिमायत की जाए उतना अच्छा है। आज शायद उनके मुंह पर भी एक अच्छा चांटा लगा। जनरल वीके सिंह ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए साफ साफ कहा कि लोग पाकिस्तान के हिमायती थे और राजनीतिक फायदे के लिए सरकार पर ही इस हमले का आरोप लगाते थे। उन पर जनता को विश्वास नहीं करना चाहिए, जनता को उन्हें सरेआम जूते लगाने चाहिए। जो हिमायती थे पाकिस्तान के बारे में बात करते थे और अपने राजनीतिक फायदे के लिए बिना ये सोचे कि उसका क्या दुनिया के अंदर असर होगा, ये कहना कि सरकार ने ही कराया होगा। और इसीलिए इससे पहले भी इसी पार्टी ने एक भगवा आतंक की बात की थी, एक उसका बड़ा वो बनाना रूप बनाना चाहा इन्होंने। ऐसे लोगों के ऊपर जनता को लेश मात्र भी विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इनको खुले में जूते लगाने चाहिए। कुल मिलाकर पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी के कबूलनामे के बाद जहां भारत सरकार का सीना 56 इंच का हो गया है, वहीं विपक्ष सिकुड़ती नजर आ रही है। स्पेशल डेस्क टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।